मैं धन्यवाद करूंगा क्षेत्र की जनता का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने शुभचिंतकों का, जिनकी बदौलत जो है हम ईश्वर कृपा से जो है यहाँ आज हमें ये स्थान मिला है। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके क्षेत्रवासियों के लिए? जनहित सर्वोपरि है। हम राजधर्म के सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। ये धर्माणी की लंबा इंतजार था, इस इंतजार में क्या मान के चले प्राथमिकता? प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व देंगे और जो भी विभाग की जिम्मेवारी दी जाएगी उसके थोड़ा अध्ययन करके सबको साथ मिला के एक कलेक्टिव विजडम को अप्लाई करके जो है हम ट्राई टू डिलीवर और बेस्ट। सर आप पहली बार मंत्री बने, इससे पहले सीपीएस थे, लेकिन मंत्री क्या विजन है स्टेट के लिए आपके पास? स्टेट का सोचा है, क्योंकि 2048 में हिमाचल के गठन हुए 100 साल हो जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है हम उसको व्यवहारिक रूप पहनाते हुए हिमाचल प्रदेश को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाने के लिए जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि हिमाचल ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर जो है वो खड़ा हो और अपनी एक पहचान बने। अभी भी हमारी अपनी अलग पहचान है, छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन हिमाचल प्रदेश बहुत सारी चीज़ों के लिए, अच्छाई के लिए, भोलेपन के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम अर्थव्यवस्था भी हमारी ठीक हो, आर्थिक तौर पे भी हम वहाँ खड़े हो सकें जहाँ दुनिया के कई देश जिनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के बराबर या इससे कम भी है लेकिन उनकी जो इकॉनमी है बहुत स्ट्रांग है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए पहले इसका हम आर्थिक तौर पे इसको संपन्न प्रदेश बनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि 2032 तक हम इसको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और हम उस तरफ जो है अपना बेहतर से बेहतर योगदान देने की कोशिश करेंगे। जहाँ जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी हम उसको उसका निर्वहन करेंगे, चाहे वो अपना विधानसभा क्षेत्र तो सर्वोपरि है लेकिन बिलासपुर के साथ जो जो भी जिम्मेवारी दी उसको निभाएंगे। सर ये जो संसदीय पार्लियामेंट्री तालमेल है वो भी क्या बिलासपुर से मंडी और आसपास के जिलों में? मंडी किसी टाइम, बिलासपुर जो है किसी टाइम मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा रहा है, बहुत पहले की बात है, तो तालमेल पहले से ही है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।